दुनिया भर में मंडराते मंदी के काले साए के बीच भारतीय रईसों के ठाट में कोई कमी नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि इस साल इन अमीर भारतीयों के दम पर सुपर लग्जरी कारों की बिक्री के तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। देश में इस साल अल्ट्रा लग्जरी यानी 2 करोड़ रुपए से ज्यादा दाम वाली कारों की बिक्री में 50% का उछाल आया है। इस साल देश में 450 सुपर लग्जरी कारों की बिक्री होने की उम्मीद है, जो देश में महंगी कारों की बिक्री में अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी होगी। इससे पहले कोरोना से पहले 2018 में भारत में सुपर लग्जरी कारों की सेल में रिकॉर्ड उछाल देखने को मिला था, जब 325 सुपर लग्जरी कारों की बिक्री हुई थी। पिछले साल 300 सुपर लग्जरी कारों की बिक्री हुई थी। इस बढ़ोतरी की वजह कोरोना के बाद लोगों की सोच में आया वो बदलाव है, जो उन्हें जोड़ने से ज्यादा खर्च करने के लिए कह रहा है। अगर बात करें भारत में बिकने वाली सुपर लग्जरी कारों की, तो इस लिस्ट में इटली की कंपनी लैम्बोर्गिनी और फेरारी, ब्रिटेन की कंपनी बेंटले, रोल्स रॉय और एस्टन मार्टिन, जर्मन कंपनी पोर्श और मैबेक शामिल है। भारत में लैम्बोर्गिनी की कारों की कीमत 4 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, लेकिन कंपनी का कहना है कि पहले जहां लोग पैसे बचाने के चक्कर में रहते थे, वहीं कोरोना के बाद उनकी सोच बदल गई है। अब देश में अमीर और युवा दुनिया भर में लॉन्च हो रही कारों को ड्राइव करना चाहते हैं। यही वजह है कि अब भारत में सुपर लग्जरी कार कंपनियां भी अपने लेटेस्ट मॉडल्स को लॉन्च कर रही हैं। कोरोना के बाद जिस तरह से लोगों ने मौत और जिंदगी के बेहद कमजोर होते फासले को देखा है, उससे भी लोग अब जीवन को खुलकर जीना चाहते हैं। ऐसे में वो पैसों को बचाने की सोच से आजाद हो रहे हैं और उसे खुलकर खर्च कर रहे हैं। ये खर्च केवल महंगी कारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब लोग सभी तरह के महंगे सामानों पर पैसे खर्च कर रहे हैं। इनमें छुट्टियों पर महंगी जगह जाना, प्राइवेट जेट का इस्तेमाल करना, सुपर लग्जरी कारें और महंगी घड़ियां खरीदना शामिल है।